भी हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो पूरा का पूरा गांव है वो शोक मना रहा, बिल्कुल दुख मना रहा है। मैं जो सरपंच साहब थे वो मतलब जात पात में विश्वास नहीं रखते थे, सभी के साथ समान भेदभाव रखते थे। तो मैं आपको बता दूं, जो काबरछा गांव है एक ऐसी धरती है जहां पर खाप पंचायतें फैसला करती थी, लेकिन आज जो पहला कांड हुआ है जिस मामले में जो परिवार वाले हैं, एक परिवार वाला ही जो है एक सरपंच की जो है हत्या कर देता है। और आप देख सकते हो भाई जो सोच रहा है, और आगे मैं आप ना बता दूं भाई साहब, वहां पे जो है दो कुर्सी थी, उन कुर्सियां बैठे थे, और उसके साथ कौन था, उनके साथ था एक जो है मतलब साथ में बैठा हुआ था, और बैठने के बावजूद एट ए टाइम गोली चली। गोली बताई जा रही है भाई 5 गोलियां लगी थी, जो कहना है मतलब जो आप पिछली वीडियो देख लो उसमें जो कहना है। विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप हैं काबरछा गांव के अंदर मौजूद क्यों? हाँ, सामने एक मामला दिखा होगा, मनीष सरपंच जो है उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। और आपको मैं दिखाई दें, देखो यो घर है भाई, जो सुनना पड़ा हजमा सुनना पड़ा, ताड़ा लगे रहा ऊपर लगे दिखा दे भाई। इस घर के अंदर फिलहाल कोई भी नहीं है। और आप मैं बता दूं भाई, पूरा का पूरा गांव क्या बताता है भाई, जो मनीष सरपंच साहब है वो एक अच्छे नेक दिल के इंसान थे, और जो उनकी हत्या की गई वो नाजायज की गई है भाई। उन पता ही नहीं था, अचानक एट ए टाइम जो है हत्या की गई है। और आपको एक बात बता दूं, यहां से जो है बोला जा रहा है भाई, जो इनके परिवार वाले थे तुरंत जो है फरार हो गए थे घर से हत्या करने के बाद। और अब जैसे कार्रवाई में बोला जा रहा है भाई, वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो पूरा का पूरा गांव है वो शोक मना रहा, बिल्कुल दुख मना रहा है। मैं जो सरपंच साहब थे वो मतलब जात पात में विश्वास नहीं रखते थे, सभी के साथ समान भेदभाव रखते थे। तो मैं आपको बता दूं, जो काबरछा गांव है एक ऐसी धरती है जहां पर खाप पंचायतें फैसला करती थी, लेकिन आज जो पहला कांड हुआ है जिस मामले में जो परिवार वाले हैं, एक परिवार वाला ही जो है एक सरपंच की जो है हत्या कर देता है। और आप देख सकते हो भाई जो सोच रहा है, और आगे मैं आप ना बता दूं भाई साहब, वहां पे जो है दो कुर्सी थी, उन कुर्सियां बैठे थे, और उसके साथ कौन था, उनके साथ था एक जो है मतलब साथ में बैठा हुआ था, और बैठने के बावजूद एट ए टाइम गोली चली। गोली बताई जा रही है भाई 5 गोलियां लगी थी, जो कहना है मतलब जो आप पिछली वीडियो देख लो उसमें जो कहना है। तो आप मतलब जरूर बताएं भाई, क्या ये जो सुनना पड़ा है घर, और ऐसा जो मामला काबरछा गांव के अंदर आया है भाई, कहा जा रहा है कि पहला ही ऐसा मामला आया है, वरना खाप पंचायतें होकर वही फैसला करवा देती, यानी सरपंच जो पंचायत जो सरपंच साहब है सभी से पूछते थे, सभी की सलाह लेते थे भाई ये जो है मतलब ऐसा फैसला आया है, क्या करें क्या करें, मतलब सभी की सुनकर तभी फैसला करते थे। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और आप बताना क्या जो यो घर है इस पर ताला लग रहा है भाई, आपने पता है क्यों लग रहा है, लेकिन वही बात है, न्याय जरूर होना चाहिए सरपंच साहब के साथ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।